परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा मन पवित्र कैसे हो। देखो, पवित्र मन जो है जी वो असाधारण बात है, कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज सारे संसार में देखो किसका मन पवित्र है। मन मतलब पवित्र किसको कहेंगे? मन पवित्र माना क्या मनुष्य का मन पवित्र है? देवी देवताओं का मन पवित्र है? क्योंकि देवी देवता तो कपट करते हैं, लड़ाई झगड़ा देवता और असुरों का संग्राम होता ही रहता है। तो जिनको तुम याद करोगे उसी में तुम्हें पाओगे। तो पवित्र बुद्धि रखनी है, पवित्र मन चाहिए, तो तुम्हें पवित्र वाला को ही याद करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए गीता में उसका बोला हुआ है ना, क्या बोला है भगवान ने गीता में? बोला है कि तेरा मन मुझे दे दे। क्या बोला है? और कुछ नहीं करना, सिर्फ तेरा मन मुझे दे दे। क्या बोला? और कुछ नहीं चाहिए, तेरा सब कुछ तेरे पास रख, तेरा मन दे दे। क्योंकि तेरा मन है ना, मन मरकट है, बंदर की तरह इधर उधर भागता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, देहधारियों में भटकता रहता है। तो देहधारियों को याद करोगे तो मन कैसा होगा? जैसा देहधारी तो आप जानते हैं कैसे होते हैं। इसलिए तेरा मन दे दे, तो मन भगवान को तुम दे देगो तो मन पवित्र रहेगा ना। बिल्कुल। तो परमात्मा को तुम मन दे देते हो, जैसे मीरा ने मन दे दिया ना, एक कृष्ण को ही दे दिया ना, बाकी किसी को नहीं दिया ना उसने। तो मीरा मीरा को ही एग्जाम्पल ले लो ना। मन देना मतलब किसी और से अपनी बुद्धि में या मन में किसी और को याद नहीं करना। मन को सरेंडर कर देना परमात्मा को, ओके। मतलब परमात्मा के अलावा किसी को भी याद नहीं करना। जो गया गीता में क्या कहा है, पहले ही सब्जेक्ट कहा है, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा। तो मन पवित्र रखना, मन पवित्र कब होता है कि जब तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होते हैं, तब मन पवित्र होता है। और मन पवित्र मन परम आत्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? आत्मा। परमात्मा बन जाए। हाँ, तो परम मन बन जाता है ना। पवित्र माना परम, पवित्र माना परम, शुद्ध नहीं परम। तो पवित्र आत्मा बन जाती है, तो परमात्मा बन गई। तो परमात्मा कैसे बनेगी? जैसा सत्य वैसा रंग। तो बाबूजी हमें इसके लिए सब देवी देवताओं से भी ऊपर जाना पड़ेगा। देखो ये गीता में सीधा कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। तुम क्योंकि देवी देवताओं को याद करते हो तो उसमें जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। क्योंकि उनके अंदर भी प्रतिशोध की भावना होती है, उनके देवी अंदर देवता भी तो हर वक्त लालच लड़ाई होती झगड़ा है। करते हैं। देवी देवता आप देखो शास्त्रों में, देवासुर संग्राम कितने हुए, और देवताओं का राजा इंद्र कैसा था आप देख लो। तो मतलब ये है कि हमें इन सब देवी देवताओं से, 33 कोटि देवता हैं, उससे ऊपर उठना पड़ेगा और परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। और जब हम उनको पहचान पाएंगे सही तरीके से, ज्ञान से, तब हम अपना मन दे सकते हैं, तभी हमारा मन पवित्र हो सकता है। देखो, जैसे परमात्मा के अलावा परमात्मा बनना है तो तुम्हें जैसा बनना है इसको याद करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। इसलिए देवी देवताओं के जैसे याद करोगे तो उसी को पाओगे। इसलिए परमात्मा बनना है, परम पवित्र आत्मा बनना है, तो तुम्हें पवित्रता कहाँ से मिलेगी? क्योंकि कोई एक प्रकार की वो पवित्रता नहीं है, यहाँ तो परम परम पवित्रता है। इसलिए परमात्मा को याद करो, कर्म योगी बनो, निरंतर योगी बनो, किसी की बुद्धि में ना आए, कुछ भी ना आए। अगर क्योंकि आप जो कह रहे हैं बाबूजी, ये परम सत्य है, क्योंकि कृष्ण ने गीता में ये भी बताया कि सत्य जो है वो तत्वों से परे है, और आप जो बता रहे हैं जो परम सत्य है, जो परम तत्वों से भी परे की बात आपने जो बताई है, तो बाबूजी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो यही ठीक है, मगर उसमें गहराई में मंथन करो हमेशा ओके, कि अगर तुम्हारी बुद्धि के अंदर तुम्हें पवित्र बुद्धि बनना है राइट। तो सीधी सी बात है कि तुम परमात्मा को याद करो। अब गीता का भगवान को याद करो तो गीता का भगवान कृष्ण है, चलो कृष्ण की शरण में जाओगे तो भी अंत में जो कृष्ण जिसका अवतार है उसी को पाओगे ना। तुम बोला है गीता में, तुम अगर कृष्ण की शरण में भी जाओगे तो अंत में मुझे पाओगे। तो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अंत में उसी को भी पाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से फिर अंत में ऑलमाइटी, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, कृष्ण का अवतार है वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। वो ना एक ब्रह्मांड का, ना दो ब्रह्मांड का, ना अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। गीता ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। इसलिए अंत में तुम बेहद के विश्व के मालिक को पाओगे, बेहद के विश्व को पिता को पाओगे। इसलिए तुम सीधी सी बात है, हमारी हर वीडियो में यही कॉमन बात रहती है। बाकी तो आगे वो प्रश्न पूछना है तो पूछो फिर।
ओके बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।